अगर आपका मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? बस ये सरल साधना कीजिए आप सभी। अगर आप कोई दूसरा योग नहीं कर सकते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना? आप देखेंगे कि आपकी आधी चिंता शांत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में संघर्ष इस बात का है कि आपके भीतर दो आयाम हैं। मन आपकी बात मानता, क्या आप चिंता पैदा करते? नहीं। इसलिए जवाबों के लिए कहीं और मत देखिए, कहीं भी दूसरी जगह। बात बस इतनी सी है कि आपका अपना शरीर और मानसिक ढांचा आपकी बात नहीं मान रहे। तो आपने बहुत सी बातें कहीं, मैंने कोशिश की, और ये पूरी कैलिफोर्निया में जो बड़े बड़े शब्द घूम रहे हैं, खासतौर पर उसे सरेंडर करने के बारे में, इसे जाने देने के बारे में, ऐसी किसी चीज ने एक भी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया है कभी भी। क्या इसने किया है, मैं आपसे पूछता हूं। आपको चिंता है, उसे जाने देने की कोशिश कीजिए। क्या ये चली जाती है? यहां तक कि फ्लू भी कमबख्त फ्लू तक नहीं जाता। हाँ या ना? साधारण सी सर्दी भी नहीं जाती। आप कहते हैं जाओ, क्या ये चली जाती है? इसलिए हमें समर्पण के इन सजावटी चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब इधर उधर की बातें हैं, कोई नहीं जानता कि समर्पण क्या है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने समर्पण कर दिया, ये कैसे संभव है? तो उन चीजों को छोड़कर, खास तौर पर जैसा मैंने कहा है, आपने यूजर मैनुअल को नहीं पढ़ा है कि ये कैसे काम करता है, हमें इस पर ध्यान देना होगा। ये सिस्टम इस तरह से बना है कि अगर आप अपना हाथ ऐसे रखें तो ये एक तरीके से काम करेगा, अगर आप ऐसे करें तो ये दूसरी तरीके से काम करेगा। ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। अगर ये कोई सरल चीज होती तो हम इसे छेनी हथौड़ी से कूट पीट कर सही आकार में ले आते, ठीक है? ये बहुत ज्यादा परिष्कृत है। ये मशीन असाधारण रूप से जटिल है। ये जिस चीज के लिए बनी है उसे उस तरह इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को एक निश्चित तरह का ध्यान देने की जरूरत है, वरना यह खुद को अस्त व्यस्त कर लेगी। अब कई कारक हो सकते हैं, जेनेटिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, कुछ पालन पोषण के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं। पर अपनी समस्याओं के लिए इनमें से किसी भी चीज को कारण मत ठहराइए। जरूरी बात बस ये है, आप अपने मन को वैसे नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से आप उसे चाहते हैं। आपकी बस यही समस्या है ना? जिस पल आप कारण देते हैं कि मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे पिता ऐसे थे, मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मेरे दादा के जेनेटिक्स ठीक नहीं थी, तो समझिए आप खत्म हैं, क्योंकि अब हम उन व्यक्तियों को बदल नहीं सकते। अब आप कोई अलग पिता या दादा नहीं चुन सकते, अब वो बीत चुके हैं। पर आप इसे रूपांतरित कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए, अब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चिंता का विकार है, फिर भी अगर आप एक गाजर का टुकड़ा भीतर डालते हैं तो यहाँ एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो एक गाजर को एक मनुष्य में रूपांतरित कर सकती है। इसका मतलब हर रोज आपके भीतर एक नए शरीर का निर्माण हो रहा है ना? टुकड़ों में हर रोज एक नए व्यक्ति का निर्माण हो रहा है। जब सृष्टि का स्रोत आपके भीतर काम कर रहा है और लगातार एक नए मनुष्य का निर्माण हो रहा है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले लें तो आप पूरी तरह से एक नई शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। पिछले साल हम लोग तिब्बत में ट्रैकिंग कर रहे थे। मैं एक टेंट में था, मैं कुछ काम कर रहा था और दूसरा एक व्यक्ति एक सेब काट रहा था। आपको इन दिनों मिलने वाले चीनी मिट्टी के चाकुओं का पता है? तो पास में दूसरी महिला उस व्यक्ति से कहती है, ये बहुत तेज चाकू है, ध्यान रखना। ये मुझे थोड़ा परेशान करता है, मैं ऐसे देखता हूं क्योंकि ये एक बड़ा आदमी है। अगर वो कोई बच्चा होता तो अलग बात थी, तब हमें देखना होता कि वो चाकू कैसे इस्तेमाल कर रहा है। वो एक पूरा बड़ा आदमी है।
और चाकू को तेज धार ही होना चाहिए। अगर उसकी धार तेज ना हो तो आप उसे चाकू क्यों कहेंगे? तो मैंने उसे अनदेखा किया और काम करता रहा। अगले 2 मिनटों में वो फिर कहती है, ये बहुत तेज चाकू है, ध्यान रखना। मैंने कहा बस करो, वो एक बड़ा आदमी है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे पता है चाकू को कैसे इस्तेमाल करना है। वो एक छोटा सा चाकू नहीं संभाल सकता, ये कोई बहुत भारी मशीनरी या अंतरिक्ष यान या ऐसा कुछ नहीं है कि उसे पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है, ये एक चाकू है। वो कहती है, नहीं सदगुरु, ये बहुत ही तेज चाकू है। और मैं जो कर रहा था वो करता रहा। अगले 2 मिनटों में वो उसे फुसफुसाती है, बहुत ध्यान रखना, ये बहुत तेज है। और अगले 2 मिनटों में वो अपनी उंगली काट लेता है। उसके बाद मैंने हार मान ली, ठीक। यही सब हो रहा है जीवन के साथ, यही सब हो रहा है। आपके पास एक बुद्धि है जिसके लिए आपके पास कोई पर्याप्त स्थिर आधार नहीं है, या दूसरे शब्दों में आपके पास एक तेज चाकू है, माफ कीजिएगा, बहुत ही तेज चाकू। A very sharp knife in your hand, but your hand is not steady. आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है, पर आपका हाथ स्थिर नहीं है। जरा देखिए, ये आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है ना? हाँ या नहीं? तो आपके पास है बहुत तेज चाकू है, ये जितना धारदार होगा उतना ही आप खुद को काट लेंगे। तो हमें चाकू को कुंद नहीं करना है, हमारे पास बस एक स्थिर हाथ होना चाहिए, है ना? इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। लोग इन तमाम शांतिकर दवाओं और बकवास के साथ जो आप लेते हैं उससे चाकू को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। चाकू को कुंद करना हल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने होने की संभावना को ही कम कर देते हैं तो सब ठीक होगा। अगर हम आपका आधा दिमाग हटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे, क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है। अगर हम सचमुच में आपका आधा दिमाग हटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे और आप असल में खुश भी रहेंगे, आपको कुछ भी परेशान नहीं करेगा, आप ठीक हैं, सही है ना? पर यह वो नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। मनुष्य जो खोज रहा है वो किसी तरह असीम होना है, किसी तरह। और अगर ऐसा होना है तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा। चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है, चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ को स्थिर रखने की जरूरत है, है ना? कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। What? इनर इंजीनियरिंग का, योग का बस यही अर्थ है। जब मैं योग कहता हूं, कैलिफोर्निया में रहने की वजह से उन सभी असंभव मुद्राओं की कल्पना मत कीजिए। योग का अर्थ मुद्राएं नहीं है, योग का अर्थ है मिलन, ठीक है? योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, ये मिलन का पहला रूप है। आपका दायां और बायां, इसे योग में पिंगला और ईड़ा कहा जाता है, ये आपके भीतर पौरुष और स्त्रैण है। इन्हें बस एक साथ कर दें, आप बस ये सरल साधना कीजिए। अगर आप दूसरा कोई योग नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं ना? आप ऐसा कीजिए जो आपके जीवन से संबंधित हो। ये चढ़ता हुआ सूरज हो सकता है, सूरज ऊपर आ रहा है, सूरज के ऊपर आए बिना इस ग्रह पर आपका अस्तित्व ही नहीं होता, है ना? आपके भीतर जीवन की गर्माहट सिर्फ इसलिए है क्योंकि सूरज ऊपर आता है। पेड़ का ऑक्सीजन छोड़ना और उसके लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये अदला बदली हो रही है, इसके बिना आप जीवित नहीं होते, है ना? इसकी ओर कुछ इस तरह से देखिए, जो भोजन आप खाते हैं, सूरज, जिस धरती पर आप चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, इनमें से कुछ भी चुन लीजिए। बस ये कीजिए, आपके दाएं और बाएं को पूरी तरह एक साथ कर दीजिए। इस तरह नहीं, बिल्कुल सीधे, ठीक है? बस किसी ऐसी चीज की ओर देखिए जो आपके लिए सच में मायने रखती है। शायद सूरज, शायद आकाश, शायद बादल, शायद एक पेड़ या कोई व्यक्ति, शायद एक बच्चा, एक जानवर, कोई मायने नहीं रखता कि क्या। बस उसकी ओर देखिए, लगातार 10-12 मिनटों तक दोनों हाथों को जोड़े रखिए। आप देखेंगे कि आपकी आधी चिंता शांत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वास्तव में संघर्ष ये है कि आपके भीतर दो आयाम हैं। मैं इसके विस्तृत विवरण में नहीं जाना चाहता, क्योंकि योग, शरीर विज्ञान इसके बारे में विस्तार से बताता है। लेकिन सरल शब्दों में कहें तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आपको बता रहा है कि एक दायां दिमाग है और एक बायां दिमाग है, ठीक है? बस इन दोनों चीजों को एक साथ रख दीजिए,
ऐसे किसी भी चीज की ओर परम प्रेम और प्रशंसा से देखिए जो आपके लिए मायने रखती है। वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपकी संतान हो सकती है, एक पेड़, एक कुत्ता, आकाश, सूरज, चांद, इनमें से हर चीज आपके जीवन के लिए जरूरी है, क्या ऐसा नहीं? हाँ, आप इनमें से जिस भी चीज के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, इन दोनों चीजों को एक साथ रखते हुए उनकी ओर परम मधुरता से देखिए, ये पहचानते हुए कि वे आपके लिए कितने जरूरी हैं। कई चीजें बदल जाएंगी। ये योग का पहला रूप है। अगर मैं ये करता हूं तो ये मुश्किल हो जाता है। और नमस्कार करने के कई तरीके हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह। ये सबसे सरल चीज है, यहीं से शुरू कीजिए, ठीक है?